स्टूडेंट माय सेल्फ स्नेहा द्विवेदी, आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर विच 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। अज्यूम डैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल डैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिस एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा घुमा के है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। इसमें बोला है हमें तारपोलिन की लेंथ निकालनी है, ठीक है, कि कितना लंबा तारपोलिन की हमें रिक्वायर्ड है, कितना ठीक है, कितने लेंथ के तारपोलिन की रिक्वायरमेंट है वो पूछा है, ठीक है। व्हाट द लेंथ ऑफ तारपोलिन 3 मीटर वाइड, और जो तारपोलिन कितना उसकी जो ब्रेथ है वो कितने हैं 3 मीटर। अब देखिए तारपोलिन क्या होता है, हमारा एक तरह से जो त्रिपाल हम लगाते हैं, ठीक है, वो कितने की रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हमारा होता है स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में। इस तरीके से हमारा क्या होगा, तारपोलिन होगा, ठीक है, जिसकी हमें ब्रेथ की दी हुई है, ठीक है, ब्रेथ मतलब ये, सॉरी, ब्रेथ हमें दी हुई है, ये चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है इसकी, 3 मीटर, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 3 मीटर हमें चौड़ाई दी हुई है, और उसके बाद उसने बोला इसकी लेंथ निकालनी है कि कितना लंबा ये है, ठीक है। या तो हम इसको अगर ऐसे देखें तो ये हमारी ये लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गई, तो हमें ये बताना है कि कितना लंबा ये है, ये इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। और ये किस शेप में दिया हुआ है, कोनिकल, इससे टेंट बनाया है, और टेंट की हाइट देगा, ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल टेंट, ठीक है, कोनिकल टेंट की हाइट दी है एच, जो कि कितनी है 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर हाइट है, और रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट का रेडियस कितना दिया हुआ है 6 मीटर, कोनिकल टेंट का रेडियस कितना है 6 मीटर, ठीक है, ये हमारा हाइट है कोनिकल टेंट का और ये रेडियस है 6 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्वेश्चन बोला, अज्यूम डैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटीरियल डैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, ये हमें रेडियस पता है और ये इसका हाइट पता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे कि इससे जो कोनिकल टेंट, इससे क्या बनाइए, कोनिकल टेंट बनाए, ठीक है, इसकी हाइट हमें दी है, तो इससे क्या निकल जाएगा, हमें पूरे इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इससे जब हम इसका एरिया निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि जो हमारा इससे जो बना हुआ है वो तो सिर्फ इतना पोर्शन बना है, ठीक है, इसका बेस तो नहीं बना होगा ना, इससे बेस नहीं बना होगा, इसलिए हम क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, इससे क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये जो तिरपाल है, ये जो तारपोलिन है, इससे क्या बना होगा, सिर्फ इतना पोर्शन बना होगा, ये जो बेस है ये नहीं बना होगा, ये हमारा किसका होगा, ये ग्राउंड होगी हमारी, ठीक है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, अगर हम इसका एरिया निकाल लेते हैं तो वो एरिया क्या होगा, इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है, इस वाले जो तारपोलिन के एरिया के बराबर है, लेकिन इसमें क्या स्टिचिंग और ये मार्जिन्स भी क्या है, ऐड है, तो वो भी हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी इसके एरिया में। हम सबसे पहले निकालते एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ कोनिकल टेंट का जो एरिया है वो हम निकाल लेंगे, तो उस वो क्या होता है पाए आर एल, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट मैंने बताया था क्योंकि ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है इस पर, ठीक है, किस पे हाइट हमारी किस पे परपेंडिकुलर होती है, रेडियस पे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, ठीक है, तो स्लैंट हाइट जिसको क्या किससे डिनोट करते हैं, एल से, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, आर क्या है हमारा, रेडियस कितना है हमारा 6 मीटर, ठीक है, आर कितना दिया हुआ है 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एच कितना दिया हुआ है 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर, इट विल बी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 100 मीटर, इट विल बी 10
मीटर, तो स्लैंट हाइट हमारा कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है, स्लैंट हाइट कितना हो गया 10 मीटर। अब देखिए स्लैंट हाइट 10 मीटर हो गई, अब हम क्या कर देंगे इसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट क्या हो जाएगा, पाई आर एल। तो वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या यूज़ करना है हमें 22/7 की जगह 3.14 यूज़ करना है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3.14। ठीक है, तो यहाँ पे हम 22/7 की जगह क्या यूज़ करेंगे 3.14 यूज़ करेंगे। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में आर, रेडियस कितना है हमारा 6 और एल स्लैंट हाइट हमारी कितनी निकली 10। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्या आ गया हमारा, कर्व सरफेस एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये हमारा पूरा आ गया, बट इसमें क्या है कुछ स्टिचिंग के भी पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इसकी लेंथ निकालेंगे इससे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेथ हमें दी हुई थी, ब्रेथ ऑफ तारपल, ब्रेथ ऑफ तारपुलिन कितनी दी थी 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर दी हुई थी ब्रेथ तारपुलिन की। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 मीटर तारपुलिन की ब्रेथ दी थी, ये ब्रेथ है, ये हमारा किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, तो इसका एरिया क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, और इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया का, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि इसी से इसको जब हम फोल्ड करेंगे, इसी को फोल्ड करने से हमारा क्या बना है कोनिकल टेंट बना है, तो इसलिए इसका लेटरल सरफेस एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ तारपोलिन इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। ठीक है, अब देखिए तो लेंथ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ तारपोलिन किसके बराबर है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट, तो इसलिए हम क्या कर देंगे या एरिया ऑफ तारपोलिन की जगह क्या लिख सकते हैं 188.4 ये लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्या है कर्व सरफेस एरिया है कोनिकल टेंट का। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ब्रेथ डिवाइड में हो जाएगी। अब ब्रेथ की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है, ब्रेथ कितनी दी है 3 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेंथ एल हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारी एल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 62.8 मीटर। कितनी आ गई इसकी वैल्यू 62.8 मीटर। अब देखिए ये हमारी लेंथ आई है बट एक्चुअल लेंथ नहीं आई है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इसमें यहाँ देखिए ध्यान से क्वेश्चन में कहा है, अज्यूम करना है कि एक्स्ट्रा लेंथ भी है जो कि क्या है स्टिचिंग में वेस्ट हुई है, कटिंग में स्टिचिंग में वेस्ट हुई है, तो वो भी तो हमारी तारपुलिन की रिक्वायरमेंट होगी ना। हमें जो तारपुलिन चाहिए होगा, तिरपाल चाहिए होगा, वो इतना मार्जिन लेके भी चाहिए होगा स्टिचिंग वगैरह का, कटिंग में कितना मार्जिन चाहिए वो भी चाहिए होगा, तो वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो हम 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो वेस्टिंग मार्जिन हम लिखेंगे, वेस्टिंग मार्जिन्स कितना है 20 सेंटीमीटर विच विल इक्वल्स टू 0.20 मीटर, क्योंकि इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर को, तभी मीटर में कन्वर्ट होगा, तो क्या हो जाएगा 0.20 मीटर। अब टोटल लेंथ ऑफ तारपोलिन रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ कितनी रिक्वायर्ड है तारपोलिन की, क्या लेंथ आई थी 62.8 मीटर, प्लस जो वेस्टिंग मार्जिन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 0.2 मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 63 मीटर। आ गया समझ में, इस तरीके से हम इसकी क्या निकाल देंगे लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।